गाइस, आज मैंने चाय के साथ पूड़ियाँ बनाई हैं। तो अभी मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ और यहाँ पर सेक रही हूँ, और ये मेरी थाली है जिसमें मैं पूड़ियाँ रख रही हूँ, और इधर ये मेरी चाय बन चुकी है। बच्चे अभी सो रहे हैं, तब तक मैं बना के रख दूँगी, उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी। तो गाइस, मैं चाय पीने जा रही हूँ। क्या आप चाय पियेंगे गाइस? आपके बिना मैं कैसे पी सकती हूँ चाय? पहले आप पीजिए, फिर मैं पीती हूँ। फैंटास्टिक गाइस, मेरी मेड सुबह सुबह देखिए आ जाती है। अभी 7 बज रहे हैं और 7 बजे वो आ गई है, बर्तन धो रही है। ये देखो, ये मेरी भाभी हैं, चाय पी के मंजन करने जा रही हैं। देखिए, मैं ब्रश कर रही हूँ, मैंने चाय पी ली है, उसके बाद मैं ब्रश कर रही हूँ। ये दांत निकाल रही है, देखो आ रही है पोछा मारने, और ये दांत निकाल रही है, और मेरे पीछे पीछे आ रही है, ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। ब्रश होने फिर उसके बाद मुँह हाथ धोती हूँ, ब्रश करती हूँ, फिर उसके बाद चाय पीती हूँ। गंदगी मुँह में चली जाएगी, चाय पीऊंगी। चलो, मेरी आदत है, वो आदत है। उसका क्या करना है? नहीं, अपना करेंगे तो आदत है, दूसरे करेंगे तो कितना मेरे हंसी उड़ा रही, देख रहे हैं गाइस। काम अच्छा करती हैं ये महारानी, कुछ भी हो गाइस, ये बहुत अच्छी है। तो गाइस, अब मेरे दूध वाले ने दूध बंद करने को बोला है गाइस। ये हंस रही है, इसको लग रहा है कि ये मजाक, मतलब दूध अब इतना अच्छा देता था वो, और अभी दूध नहीं आएगा तो चाय कैसे मिलेगी। मुझे तो यही लग रहा है कि दूसरा दूध वाला कितना अच्छा दूध देगा, लेकिन ये बहुत अच्छा देता था ना नूरजहाँ, चाय इसकी अच्छी है ना। गाइस, अभी मैं छत पर जा रही हूँ, ये धूप नहीं निकली है, बस ऐसा कुछ है बादल बादल जैसा। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और कपड़े नहीं सुखा पाए, ये हमने धुल के रखे थे कपड़े, तो कल सुखा नहीं पाए थे। आज मैं छत पे लाई हूँ इनको कपड़ों को सुखाने, तो एक एक करके डालती हूँ। तो गाइस, अब एक एक करके सारे कपड़े डालूंगी तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हर बार ही सुखाने होंगे सारे कपड़े, तो डालती हूँ, ठीक है, सारे निकाल लेती हूँ और ये हवा से सूख जाएंगे। ये देखिए, मेरा परसों का हमने कपड़ा डाला था, तो परसों का एक कपड़ा इधर गिरा है और एक कपड़ा उधर गिरा है, और कल खूब सारी बारिश हुई है। देखिए, दोनों कपड़े मेरे ख़राब हो गए, ध्यान ही नहीं रहा उठाते समय, जल्दी जल्दी में उठाया होगा रात के टाइम, ध्यान ही नहीं दिया कि कपड़ा भी गिरा है। तो इस तरह से बाहर कपड़े डालने पर यही होता है, उड़ गया, अब उड़ गया तो उड़ गया, उठाते हैं इसको, किस तरह से उठाएंगे, डंडी वंडी लेके आते नहीं, या बेटे को बुलाएंगे वो डाक के जाएगा लाने, इतना ये दीवार है, दीवार से डाक के जाना पड़ेगा नीचे, तो बेटे को बुलाती हूँ। बेटे की तो क्लास चल रही है नीचे, उसकी स्कूल की क्लास चल रही है सुबह सुबह, तो उसको तो नहीं बुला सकते, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। एक है डंडी, ये डंडी कहेंगे या कुछ, कोई बांस जैसा है लोहे का, तो इसी से मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ निकाल पाती हूँ कि नहीं। ये है मेरा कपड़ा, ये रहा मेरा कपड़ा, आ गया, अच्छा काम कर गया, ये था मेरा, देखिए कितना गंदा हो गया, ये देखिए सब गंदा गंदा सब, इसे दोबारा से धोना पड़ेगा, हम जाते हैं नीचे इसको मशीन में डाल देंगे। और इधर भी एक है, ये इसको भी उठाती हूँ, वाह ये भी आ गया, थैंक गॉड उठ गया, वरना बेचारा पढ़ाई करे तो उठाना पड़ता, बुलाना पड़ता, बहुत देखिए। इनको दोनों को धोना पड़ेगा, अब यहाँ पे डाल दिया है, कपड़े डाल देती हूँ, हवा में सूखते रहेंगे, इन दोनों कपड़ों को लेके जाती हूँ और नीचे मशीन में डालती हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा इतना हिस्सा कवर हो गया कपड़े से। ये देखिए गाइस, और यहाँ पर स्कूल की क्लास चल रही है अवनीश। ऊपर ये लड़का बैठ के कुछ नहीं कर सकता, देखो ये इसने आलोक ने ना ये छेद बना दिया, इससे किल नहीं ठुकरी थी इसने।
मम्मी ये ठोक रही है और देखो मैं ठोक पाती हूँ तो देखना तुमसे अच्छे सबूत नहीं है कुछ भी। ये देखो ठोक गया नहीं नहीं ठोका ठोक गया इतना बढ़िया ठोका है बस थोड़ा और घुसाओ अंदर वो टेढ़ी हो रही बस इतना काफी है। हाँ ठीक है बंद करो चलो लाओ लाओ काम दे उसको। आजकल की मम्मी है ना सारे काम करती है पापा वाले काम भी मम्मी लोग करती हैं। देखो मैं कर रही हूँ ये ग्रेट सक्सेस ग्रेट सक्सेस। अब चलती हूँ उतरती हूँ कैसे उतरना है ओ माय गॉड एक्सरसाइज करनी होगी। मैं उतर रही थी तो आलोक ने कुर्सी खींच ली। आलोक फिर टूटा मुंह ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी। चल अच्छा लग रहा है ना नहीं चलो अब इसको चिपका लो। गाइस मैंने नहा लिया है तो गाइस नहाने के बाद मुझे ये सनस्क्रीन लगानी पड़ती है जो कि ये और डॉक्टर ने मुझे दी है और बोला है कि आपको सनस्क्रीन पूरे टाइम लगाना है सुबह से लेकर रात तक सनस्क्रीन लगा के रखनी है। और आज हमने ये वाला और अब पूजा कर ली है अगरबत्ती जला दी है। गाइस खाने में आज मैंने ये नेनुआ है नेनुआ की सब्जी बनाई है ग्रेवी वाली और दाल चावल और अब रोटियां बनाने जा रही हूँ। हमने खाना खा लिया है और अब मैं पानी के लिए यहाँ से पानी भर लेती हूँ। ये मेरा मशीन है इसमें बहुत ठंडा पानी निकलता है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा नॉर्मल पानी देता है ठंडियों में ये वाला पार्ट गर्म पानी देता है यहाँ से लेकिन अभी नॉर्मल दे रहा। और गाइस हमने खाना खा लिया है खाना खाने के बाद अब ये मैं मशीन से पानी निकाल के लाई हूँ ठंडे निकलना पानी तो ये मैंने पानी पी लिया है और अब मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं जाऊँगी एडिटिंग करने एडिटिंग मुझे करनी है और कल है संडे संडे को मुझे वीडियो भी डालनी है क्योंकि हमने अभी अपना नया रूल बनाया है एक वीडियो मैं वेनेसडे को डालूंगी और एक संडे को डालूंगी तो हफ्ते में सिर्फ दो ही वीडियो डालूंगी और अभी कल संडे है मुझे ये वीडियो डालनी है तो अभी मैं जाती हूँ एडिटिंग करने। शाम का खाना है आज मैं सोयाबीन और आलू की सब्जी बना रही हूँ और ये मेरे सोयाबीन सीख रहे हैं और गाइस ये सीखे हुए सोयाबीन बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जब मैं बेटी के घर में थी तो वहाँ हमने सोयाबीन सेका था और सेके बेटे को दिया था खाने के लिए तो ये बहुत कुरकुरा हो जाता है सीखने के बाद तो उसका पेट दर्द हो गया था और तब से उसने कह रहा है मम्मी मैंने ठान लिया है कि आज के बाद मैं सोयाबीन नहीं खाऊंगा तो तब से उसने सोयाबीन को हाथ नहीं लगाया आलू वालू निकाल के खाएगा। तो इधर हमने ये आलू काट लिए हैं आलू सोयाबीन आज के खाने में आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटियां। गाइस ये हमारी सब्जी बन रही है और शायद बन चुकी होगी अभी मैं खोलती हूँ। इधर ये तवे पर मेरी रोटी पड़ी है तो इसको सेक लेते हैं। इन्होंने खाना खा लिया है इनके यहाँ 10 बजे इनको ड्यूटी जाना था आज लेट हो गया है और अभी खाना भी रेडी नहीं हुआ तो अभी सब्जी बन ही रही थी कि हमने
बनते समय ही सब्जी निकाल के रोटियां सेक के उनको दे दिया। अब हम लोग खाना खा लेंगे, इनका काम ख़त्म, ये अपने तैयार होंगे जाएंगे और हम और बच्चे लोग खाएंगे। तो अभी ये रोटियां हमारी सिक गई हैं, देखती हूँ सब्जी कैसी बनी है। सब्जी पक चुकी है, ये सोयाबीन और आलू की सब्जी। इन्होंने जब खाई थी उस टाइम ये सब्जी मतलब पकी नहीं थी, अब ये अच्छे से पक गई है। तो अब हम कर देते हैं गैस बंद और सब्जी को ढक देते हैं, फिर बच्चों को बुलाते हैं खाना खाने के लिए और हम लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलूँगी। जाओ बाय। तो ये अभी नेहा खाना लेके गई हैं और अब हम और आलोक बचे हैं। ये खतरों के खिलाड़ी आ रहा है, देखिए इतने बड़े बड़े शेर सामने से मिल जाए ना तो हम लोग तो वहीं बेहोश हो जाए। इनका टाइम हो गया ड्यूटी का और अब ये ड्यूटी जा रहे हैं, आज लेट भी हो गया है। बाय। नाइट ड्यूटी है, देखिए रात हो गई है और अब ये सुबह आएंगे 6 बजे। सुबह बारिश हुई थी और अभी इतना साफ आकाश है, ये नीचे वाली तो लाइट है लेकिन लाइट के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, दो दो दिख रहे हैं ना, तो नीचे वाला बल्ब है, ऊपर वाला चांद है, दो दो रोशनी। तो गाइस अभी हम लोगों का खाना हो गया है और अब खाने के बाद हम लोग थोड़ा टहलने जाएंगे बाहर। अभी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं लैपटॉप को करती हूँ बंद। तो ये हमारा लैपटॉप हो गया है बंद और मेरी वीडियो एंड होती है। और हम गाइस रात बहुत हो गई है और अब मैं सोने की तैयारी करती हूँ। गाइस आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की तैयारी करती हूँ। तो गाइस लेट्स गो, गुड नाइट। ये मेरा भाई है और मम्मी लड्डू फेंकेंगी और आलोक मुंह से कैच करेगा। चलो 1 2 3 स्टार्ट।